हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल खाना पीना और मजा में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेवरेट वड़ा पाव। तो देखते हैं वड़ा पाव बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। 3 उबले हुए आलू, धना, कोथिंबीर, नींबू का रस, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और बैटर बनाने के लिए बेसन। अब मैं पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने डाला है राई, जीरा और क्रश किया हुआ धना। धना डालने से ना हमारे इस वड़ा पाव का स्वाद काफी अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर डालिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और मैंने इसे ताजा ताजा पीसा हुआ है, तो वैसे ही डालिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेती हूँ। इसमें जाएगी हल्दी, नमक, इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें जाएंगे उबले हुए आलू। मैंने आलू को उबाल के इसे स्मैश कर लिया है। अब देख सकते हैं मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी कोथिंबीर। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसके वड़े बनाएंगे। तब तक हम बैटर बना लेते हैं। तो मैंने लिया है बेसन, मैंने 6 बड़े चम्मच बेसन लिया है। मैंने इसी चम्मच से बेसन लिया हुआ है। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, नमक, अपना मसाला और 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें बेसन का बैटर बना लेना है ताकि हम वड़ा को इसमें कोट कर लें। तो हमें इसका पतला घोल नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा ही घोल बनाना है। तो हमें पानी ध्यान से डालना है। ये देखो अपना बैटर रेडी हो रहा है। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच नींबू का रस। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। हमारा बैटर अभी रेडी है। तब तक मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। हमारा ये भी ठंडा हो चुका है आलू का सब्जी। तब हम इसके वड़े बना लेंगे। हमें जिस साइज के चाहिए उस साइज के हम इसके वड़े बना सकते हैं। अब मैं आपको सारे वड़े बना के बताती हूँ। हमारे वड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने अभी इसे बैटर में डाला, इसे अच्छी तरह से अपना बेसन का बैटर कोट कर लिया। ये कोट होने के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने इसमें वड़ा डाला और हमें इसे बार बार हिलाना नहीं है। तो मैं इसे एक साइड से पकने के लिए रख देती हूँ और बीच बीच में इसे ऊपर से ऑयल डाल रही हूँ। जब ये एक साइड से पक जाएगा तब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये हो चुका है, अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। हमें अभी इसे दूसरे साइड से भी पका लेना है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी डिश मेरे हाथ की बनी हुई देखनी है, या फिर आप कौन सी रेसिपी चाहते हो जो मैं आपके लिए बनाऊं।
तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलो अभी मैं दिखाती हूँ आपको वड़ा पाव कैसे बनता है। फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे और नई नई रेसिपीज़ के लिए आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।